और मैं अपने पुराने वाले फ़ोन में बना रही हूँ वीडियो व्लॉग, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये आईफोन छोड़ते ही नहीं है। पता नहीं क्या कचर 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 कचर, मुझे नहीं चाहिए आपका आईफोन, मुझे नहीं चाहिए। बहुत गलत बात होती है कि गिफ्ट में दे देते हैं और फिर वापस ले जा लेते हैं। अब मेरा आईफोन से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते नाते ख़त्म, क्योंकि मेरे पास वो रहता ही नहीं है। और बस जब देखो इनकी अपलोडिंग होती रहती है, इनके वीडियोस बनते रहते हैं, और इनके क्या बोलते हैं कि फ़ोन खाली नहीं रहता, आए दिन मेरा इंस्टाग्राम डिलीट मार देते हैं जब स्पेस नहीं रहता, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मुझे। इसलिए मुझे आईफोन चाहिए ही नहीं, और मुझे आज से इसी में व्लॉगिंग करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज है संडे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे सुबह सुबह कि आज संडे है, आज हम क्या बोलते हैं आज कम काम रहता है तो जल्दी से काम निपटा के तो उसके बाद हम सफाई करेंगे घर की, क्योंकि अब बाबू भी आने वाला है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा बाबू आए और बोले हो मम्मी पापा इतने गंदे रूम में रहते हैं। इसलिए हम आज, क्योंकि जब से मेरी जॉब लगी है तब से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता घर पे कि मैं साफ़ सफाई करूँ, कपड़े ऐसे पड़े हुए तो पड़े हुए, मतलब कि सिर्फ झाड़ू लगाने का टाइम मिलता है, बाकी कुछ टाइम नहीं मिलता। और आज मैंने सोचा था आज संडे है, थोड़ा बहुत काम रहेगा, थोड़ा बहुत काम करके, बट फिर भी फ़ोन खाली करते 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 मैंने सोचा था हम सफाई भी कर लेंगे, व्लॉगिंग भी बना लेंगे, हम सफाई भी कर लेंगे और वीडियो भी बना लेंगे। और फ़ोन खाली नहीं, मतलब मेरे काम के लिए फ़ोन खाली रहता ही नहीं है, वो भरा रहता है पूरा, तो मुझे अब चाहिए ही नहीं। मुझे इसी में व्लॉगिंग करनी है, इसी में, क्योंकि जो मेरा काम होता है मुझे व्लॉगिंग बनानी होती है, मुझे रील्स बनाने होते हैं इंस्टाग्राम में। 10 दिनों से मेरी रील नहीं गई, अब बस मेरी आईडी भी फ्रीज हो गई है, इंस्टाग्राम भी डिलीट मार देते हैं और स्पेस के चक्कर में, और मेरी आईडी भी फ्रीज कर देते हैं। फिर एक भी रील, बड़ी मुश्किल से रील बनाने का टाइम मिलता है, अब वो रील भी नहीं जाती, अब बस मेरी आईडी फ्रीज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। उसमें ना फॉलोवर बढ़ रहे हैं, उसमें ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम करने वाले हैं सफाई, और आप देख सकते हैं तो कैमरा हमने कर लिया है सेट, आज आप देखेंगे खतरनाक सफाई। सो हे गाइस, तो आज हम कर रहे हैं सफाई, और मैं शियल कुमार अब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं शियाल को बन जाऊंगी ऐसे करके। दो जोड़ी पहनती हूँ, कभी ये बाहर सुखाया, फिर मैं नहाई, फिर मैंने उन्हीं को पहने, फिर दूसरी जोड़ी को सुखाया, और जो अलमारी में ऐसे पड़े हुए तो पड़े हुए, और आपके कपड़ों का तो कुछ पहना ही नहीं है। देखिए ये है मधु की दुकान, क्या कर रही है ऐसे सुखाते हैं कपड़ों का दमार ही दमार हैं, इनको पता कपड़ों को दमाना, आपके भी हैं भी मेरे मेरे नहीं।
हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने, हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, जाएगी उपवाशा की आंगन आंगन गाएगी, गाएगी। काम का ये सही काम का है? हाँ। पांच बज चुके हैं, अभी तक हमने दिन का खाना नहीं खाया है? दिन का खाना कहाँ खाया आज? खाना का खाया आज? अच्छा। नहीं खाया। और अभी हमें कंप्यूटर की सफाई अगले संडे को करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, अब पांच बज चुके हैं शाम के, तो अगले संडे को हम करेंगे यहाँ की सफाई, यहाँ की मतलब बाहर बाहर की तो अभी कर रहे हैं बट अंदर की सफाई। नीचे से हट जाओ, छूट जाएगा मेरे हाथ से। नहीं, आप गिर जाओगे। ओए, क्या कर रहे? मुझे गिर गया। देखो तब मेरा कुर्सी नहीं छोड़ी। मुझे बोलते प्यार बाबू। रात के बज चुके हैं 8 और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, सुबह से लगे हुए थे हम काम पे। अभी मैं काम से निपटी हूँ, कपड़े उपड़े बिटा के तब मैं नहाई और अब ये जा रखे हैं नहाने के लिए, और अब मेरा टाइम हो रहा है शिव महापुराण पढ़ने का, तो बस एक अध्याय पढ़ लेती हूँ उसमें से और फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।